और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर देहात से इस वक्त की अहम खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छत पर बना ईंटों का एक खंभा गिर गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा दें, यहां पर ईंटों का ये जो खंभा था वो गिर गया है अचानक से, जिसके दौरान एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें आपको, ये जब खंभा गिरा तो उस वक्त दो बच्चे वहां मौजूद थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा बच्चा घायल बताया जा रहा है। मासूम को घायल अवस्था में ही परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया है और हालत गंभीर को देखते हुए सीएचसी से जिला अस्पताल बच्चे को रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली बोगनीपुर क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पत्थरों से भरा खंभा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से दबने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा घायल बताया गया है। और इसी क्रम में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर से एक और अहम खबर सामने आ रही है, जहां मानसून की पहली बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। आपको ताजा तस्वीरें वहां से दिखा दें, कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पहली बारिश के बाद क्या कुछ हाल है आप खुद देखिए। यहां पर बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और काफी गहराई तक पानी यहां पर भर चुका है और सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति है। लोगों को आप देख सकते हैं कि साइकिल पकड़कर और उठाकर सड़क पार कर रहे हैं, पानी से बचते हुए लोग यहां पर निकल रहे हैं। और कानपुर में मानसून की पहली बारिश ने ही तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसी के तहत शहर जलमग्न हो गया है। जूहे स्थित ढालू पुल में भी भारी पानी भरा हुआ देखा गया, आवागमन इसकी वजह से ठप हो गया है और कानपुर नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर जल भराव खत्म करने के लिए ये प्लांच लगाया था और अब लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। आप भी देखिए यहाँ पर जूही ढालू पुल पर क्या कुछ हालात है। बारिश के चलते ही पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी समस्या देखने को मिल रही है। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर, खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मानसून ने अपना कहर बरसाया है। तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी से भी दिखा दें कि यहां पर मानसून की पहली बारिश के बाद स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देशों का जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बारिश में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का बुरा हाल दिखाई दिया। शहर के कई मोहल्लों में जल भराव हो गया है, जबकि लखीमपुर खीरी नगर के कई मोहल्लों में भी जल भराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जबकि चौक पड़ी नालियों की वजह से जल भराव होता जा रहा है। पहली बारिश में ही जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई और अब लोगों में डर है कि आने वाले समय में इस मानसून की वजह से और भारी बारिश की वजह से क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस बीच जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। बता दें आपको कि बैजम ब्लॉक की दर्जनों ग्राम पंचायतों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां जल भराव हो चुका है और बैजम कस्बा, नीम गांव, भदूरी, भुप्तीपुर, हरैया, उमरपुर, मुड़िया जैसे तमाम ऐसी जगह और गांव हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बन चुकी है।